हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू द ऑसम चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति सिन्हा महापात्रा। एंड बच्चा लोग, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम्स। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथेस, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। और मैंने आपके कॉमेंट्स पढ़े, ठीक है, कि आपने मेरे को कितनी बारी काउंटिंग किया हुआ है, कि मैम ने कितनी बारी बेटा बेटा बोला हुआ है। तो आज मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा कम बेटा यूज़ करूँ। एक्चुअली बेटा इज़ माई पेट वर्ड, तो बहुत बारी यूज़ हो जाता है, और मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ध्यान दिया है, मतलब थैंक्स टू यू पीपल, कि मैं इतनी बारी बेटा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आज बेटा की फ्रिक्वेंसी मैं कोशिश करूँगी कि कम कर दूँ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी बेटा। आज हम देखो, फिर से बेटा बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी कि मैं बहुत बारी बेटा बोलती हूँ। एनी वे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेटा लेक्चर एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर, तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा बहुत सारा, है ना। एस्केरिस का डायग्राम है, स्कॉर्पियन का डायग्राम है, नेरीज का डायग्राम है, प्रॉन्स का डायग्राम है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एस्केहेलमिंथेस। वी विल बी कवरिंग बेटा एस्केहेलमिंथेस, देन एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट फाइलम टुडे, एस्केहेलमिंथेस बेटा, जिसको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स भी, और या फिर हम उसे बोलते हैं नीमैटहेलमिंथेस, या फिर हम उसे बोलते हैं नीमाटोडा, दैट्स द अदर नेम। तो एस्केहेलमिंथेस को हम बोल सकते हैं बेटा नीमैटहेलमिंथेस। अरे रे, लेट्स राइट विद दिस। नीमैट हेलमिंथिस, ठीक, या फिर इसे बोल सकते हैं नीमाटोडा, नीमाटोडा, जैसे कि बेटा हम करते हैं बाकी सब फाइलम्स के लिए भी। सबसे पहले हमें देखना है कि मीनिंग क्या है इस एस्केहेलमिंथेस का या नीमाटोडा का, या इसको हमने एस्केहेलमिंथेस बोला क्यों। दीज आर बेटा वेरी कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो राउंड दिखता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है राउंड वर्म्स। सो दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, क्योंकि अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये दिखते हैं राउंड एंड सर्कुलर। सो दे आर वेरी कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथेस को क्या बोला था, फ्लैट वर्म्स। दे वर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, दीज आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स, ठीक है। चलो अब बेटा बहुत ही कॉम, जैसे कि हमने जनरल क्लासिफिकेशन करी हुई थी बाकी सारे फाइलम्स की, इसकी भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से देखना है। तो इस बोर्ड को देखने के बजाय तुम लोग इसे खुद करने की कोशिश करो, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब तक तुम्हें पूरी सीक्वेंस अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। मैंने तो लिखा ही हुआ है बोर्ड पे, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करके खुद ही करके देखने की कोशिश करना, तुम्हें बहुत कुछ आ जाएगा एक्सेप्ट हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट के लिए बेटा हेल्प ले सकते हो, बाकी खुद तो खुद ही लिख सकते हो, है ना। लेट्स सी बेटा, हैबिट एंड हैबिटेट क्या आदतें हैं और कहां पे रहता है ये, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट में देखेंगे, मैं भी काउंट कर रही हूं द नंबर ऑफ टाइम्स आई एम सेइंग बेटा, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट, दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मीन्स इनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है। दे मे बी फ्री लिविंग, दे मे बी पानी में रहने वाले, एक्वेटिक, ये धरती पे भी रह सकते हैं, मीन्स दे मे बी टेरिस्ट्रियल, एंड दे मे बी पैरासाइटिक। लेकिन बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जहां गलतियां करते हो और जहां भूल जाते हो वही वाली बात मैं बता रही हूँ। फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, लेकिन पैरासाइटिक जो होते हैं बेटा, दे कैन बी पैरासाइटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल यही एकदम कॉपी पेस्ट लाइन आती है एनसीईआरटी की, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि प्लैटीहेलमिंथेस है कि एस्केहेलमिंथेस है, क्योंकि प्लैटीहेलमिंथेस में भी हमने देखा था कि वो पैरासाइटिक हो सकते हैं। और उसकी लाइन अगर याद करोगे, कोशिश करो याद करने की, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन प्लांट्स, सॉरी इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स। तुमने देखा था उसका एग्जाम्पल, है ना, टीनिया हमने पढ़ा था, टेपवर्म पढ़ा था, और फैसियोला भी हमने पढ़ा था, लिवर फ्लूइड पढ़ा था, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि दे आर पैरासाइटिक इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एक पैरासाइटिक फॉर्म में तुम्हें बताती हूँ, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पैरासाइटिक इन प्लांट्स, और एक एग्जाम्पल पढ़ोगे वहां पे, प्लांट्स का पैरासाइट मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया,
ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। आप पढ़ोगे इसे बेटा पेस्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट प्लांट्स में, वहां की बात तो अलग है, वहां पे आप पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये याद रखोगे कि पैरासाइट एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, पैरासाइट प्लांट्स पे भी हो सकते हैं, यही सिग्निफिकेंस है यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट का, बाकी तो सिंपल सी बात है। चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ऑफकोर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर कंपेयर करो एनिमल किंगडम में फटाफट से। लास्ट वाले फाइलम में प्लैटी हेलमिंथेस में हमने देखा था ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हम क्या देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर बेटा सेम, फर्स्ट टाइम दिखी थी प्लैटी हेलमिंथेस में, अब यहां से तो आपको मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक ही दिखेगी। सो थ्री जर्म लेयर्स, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कर लो स्टार मार्क, क्योंकि इनके पास सच्चा सीलोम नहीं होता, स्यूडो अगेन स्यूडो सीलोमेट। एंड इफ यू रिमेम्बर बेटा, ट्रू सीलोम की डेफिनेशन थी कि मेसोडर्म की लाइनिंग आपको दिखेगी दोनों तरफ सीलोम के, सीलोम विल बी लाइन ऑन बोथ दी साइड्स बाय मेसोडर्म। बट हियर व्हाट यू सी बेटा, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ये याद हो गया होगा अब तक आपको। एंड द ओनली फाइलम दैट शो स्यूडो सीलोम इज एस्केहेलमिंथेस। डन, चलो नेक्स्ट बेटा ये वाला, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मींस देयर इज अ ट्यूब दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, देन देयर इज अ ट्यूब दैट इज द बॉडी वॉल। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में भी हमने किए थे दो तरीके के एनिमल्स, एक थे प्रोटोस्टोम्स और दूसरे थे ड्यूटेरोस्टोम। फटाफट से याद करो, प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम मींस माउथ, ड्यूटेरो मींस सेकेंड, स्टोम मींस माउथ। तो प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ फर्स्ट, एंड प्रोटोस्टोम्स वाले एग्जांपल थे एस्केहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, ये चार। और एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मैंने रिवीजन भी करा दिया देखो। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में ये हो गए प्रोटोस्टोम्स, ये हो गए प्रोटोस्टोम्स, ठीक। चलो bilaterally symmetrical body, because body can be divided into equal parts passing through only one plane, there is no segmentation, there is no notochord, as simple as that, their general characteristics। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम अपन को बनाना भी है, ये एस्केरियस का डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, फिजियोलॉजी। अगेन द सेम सीक्वेंस लाइक वी डिड फॉर द प्रीवियस फाइलम्स, वी विल स्टार्ट विद द डाइजेशन। बना रहे हो ना वाला चार्ट जो मैंने बनाने के लिए कहा था, बना रहे हो ना वो चार्ट, उसी चार्ट में बेटा ये ऐड करते रहना, ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। बच्चा लोग समझ में आ रहा है क्यों होगा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट बिकॉज इनके पास था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, देयर विल बी टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन एक्टिंग एज अ माउथ, अनदर एक्टिंग एज अ एनस। एंड ऑफ कोर्स बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंड बाय नाउ यू ऑल नो बच्चा पार्टी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब होता है सेल्स के बाहर सारा डाइजेशन होगा, सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा जो एनसीईआरटी में लिखा है, और एनसीईआरटी जिंदाबाद, एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स तो स्किप नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी खोल के हमेशा रखा करो। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, अरे भैया डेवलप्ड मस्क्यूलर मस्क्यूलर फैरिंग्स। क्या होता है? वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स। अब यहां से कैसे सवाल बनता है? टेल द फाइलम इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स। इन द सेम वे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा मॉलस्का के बारे में, तो वहां पे आप पढ़ोगे दैट देयर माउथ इज एसोसिएटेड विद अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज रेड्यूला। Any special character which is mentioned in any of the phylums, beta, they are very, very important. So they have a well-developed muscular pharynx, jiska kaam kya hota hai, beta? Ye help karega किसी के भी बॉडी के अंदर या अपना फूड को, अपने फूड को सक करने में, चाहे वो लिम्फ को सक कर रहा हो या ब्लड को सक कर रहा हो, किसी भी चीज के सक्शन में जो चीज हेल्प करेगी बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर फैरिंग्स। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्केहेलमिंथेस, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चा एब्सेंट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था
आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, लेकिन इनमें सर्कुलेशन के लिए इनके सीलोम में होता है एक फ्लूइड जिसे बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। एज सिंपल एज दैट, तो इस सीलोमिक फ्लूइड के हेल्प से हो जाता है इन राउंड वर्म्स में सर्कुलेशन, ठीक। सो सीलोमिक फ्लूइड, देन बेटा ये सेल्स ना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब एनसीईआरटी में क्या गिवन है पहले वो देखेंगे, उसके साथ में हम ये सेल्स भी देखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए हमने लिखा है बेटा इनके पास होते हैं रेनेट सेल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये कुछ एच शेप में दिखते हैं बेटा। इस तरीके का एक सेल होता है रेनिटेस सेल, और यहां पे होती है एक्सक्रीटरी पोर। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा या बेटा एनसीईआरटी में मेंशन होगा कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है, इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो बॉडी के बाहर ओपन होती है। इट ओपन्स आउटसाइड वाया बेटा एक्सक्रीटरी पोर, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना ये वाला पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले यही याद रखोगे कि बॉडी में एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है। मेरे साथ साथ बोलो, एक्सक्रीटरी ट्यूब है जिसकी ओपनिंग बाहर दिखती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। और जो सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं वो एच शेप सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है रेनिटे सेल। ये हमने बना लिया बेटा डायग्राम, जो कि कभी आपके नीट में तो आएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इनका शेप एच शेप होता है जिन्हें हम बोलते हैं रेनिट सेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा है याद करो। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, पहली बारी ए पोलर न्यूरॉन्स कहाँ दिखे थे, पहली बारी ए पोलर न्यूरॉन्स कहाँ दिखे थे, सीलेंट्रेटा में, ओनली हैविंग दी सेल बॉडी, ठीक है। अब इनके नर्वस सिस्टम की बात करोगे, ये लाइन ना अपने जहन में बिठा लो कि आगे से अब जो भी फाइलम्स बोल रहे हो ना उसमें हमें सेम वर्ड चिपकाना है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, एक ही का याद रखो इनवर्टिब्रेट्स का। अगर तुमसे कॉर्डेट के बारे में पूछा जाएगा एग्जैक्ट अपोजिट करोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट का। That is the difference between non-caudates and caudates. If it is a non-caudate and we are talking about nerve cord, they have double, double ventral in position, ventral solid nerve cord. It's not hollow. Our nerve cord is differentiated into spinal cord and brain. हमारा spinal cord कहाँ है? Ventral है कि dorsal है? Of course यहाँ है. तो हमारा कैसा है बेटा? Dorsal. इनका कैसा है बेटा? Ventral. कितने spinal cord है अपन के पास? एक. तो अपने पास nerve cord की बात करें कितना बोलेंगे? एक. Single dorsal. अपन के spinal cord के अंदर कोई fluid भरा है क्या? कोई fluid भरा है क्या अपने spinal cord के अंदर? Yes. CSF, कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो यहां इसीलिए बता रही हूं क्योंकि कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो हमारा बेटा सिंगल, हमारा बेटा डॉर्सल और हमारा बेटा हॉलो होता है, तभी तो फ्लूइड भरा है ना। इनके में क्या होता है? डबल वेंट्रल सॉलिड। ये बात समझ आई। और बेटा एक चीज और याद कर सकते हो कि नर्व रिंग भी होती है इनके पास, ठीक है। डायग्राम नहीं बना रही हूं उसका कोई मतलब नहीं है, तो इनके पास नर्व रिंग भी हो सकती है, एक रिंग बन सकता है, ठीक है। उस रिंग से ही, इस तरीके का रिंग होता है बेटा, और उस रिंग से ही अटैच होते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड इस तरीके से पास होता है और यहाँ होती है नर्व रिंग। सो दे हैव अ नर्व रिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा यू विल रिमेंबर दैट दे हैव अ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है। चलो सेंसरी स्ट्रक्चर्स अगेन नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, इफ यू विश टू रिमेंबर, बिकॉज वी आर कवरिंग जस्ट 5%, 5-10% एक्स्ट्रा बेटा, नॉट मोर देन दैट। आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो 5-10% एक्स्ट्रा में वी आर डूइंग अबाउट देयर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। एंड वॉट आर देयर सेंसरी स्ट्रक्चर्स बेटा? दे हैव एम्फिड्स एंड फैजमिड्स, विच आर वॉट बेटा? विच कैन डिटेक्ट some chemicals. So they are chemoreceptors. They are what? They are chemoreceptors which are present in the Ashke helminthes. Basically, because we are not doing the classification of the phylum further, we are not classifying it into different classes, because that's better unnecessary. But when you divide it into classes, it is actually based upon better presence of amphids and presence of phasmids. इसीलिए ये कैरेक्टर मैंने यहाँ मेंशन किया है कि एम्फिड्स और प्लाज्मिड्स के बेसिस पर आप एक्चुअली एश्के हेलमिंथेस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, बट हमें तो जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ देख लिया कि इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें एम्फिड्स बोला या प्लाज्मिड्स बोला, ठीक है बेटा। चलो
सो डाइजेस्टिव सिस्टम में मस्कुलर फायरिंग से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन से हो रहा है बेटा, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस GBS, ये कहां गिवन है किसी को याद है, ये कहां गिवन है, ये गिवन है आपके रेस्पिरेशन चैप्टर में, जहां सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है लेकिन सीलोमिक फ्लूइड के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है बेटा रेनेट सेल्स और एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी जो ओपन होगी बाहर आउटसाइड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड एंड एम्फिट्स एंड फैस्मिट्स कैन बी प्रेजेंट। नाउ इसको कर लेते हैं हम लोग बेटा स्टार मार्क। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम का फेवरेट कलर येलो है, ठीक है, बोर्ड पे बहुत अच्छा लगता है येलो कलर से लिखने में, ठीक है, और कहीं कहीं पे मुझे पता है कि मैं व्हाइट कलर से लिख रही, मतलब लाइट कलर से लिख रही थी वो व्हाइट के ऊपर, ठीक है, आई अवॉइड दैट। एनीवे समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को, है ना। चलो रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन में सक्सेस हो गए सेपरेट, एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज इट्स गिवन इन एनसीईआरटी दिस वन। हम इसको ना खुद बनाएंगे क्योंकि मजा नहीं आता ये वाला डायग्राम देखने में ना, तो हम खुद बनाएंगे डायग्राम मेल एस्कैरिस का और फीमेल एस्कैरिस का। वैसे तो तुम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो और एनसीईआरटी के डायग्राम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा, बट हम अपने खुद इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाएंगे डायग्राम और तुम्हें भी बनाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये डायग्राम बाद में रहने देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल को बेटा मोनोएशियस बोला कि डायोशियस बोला, अब तक तो तुम्हें याद होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोशियस। आपको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बताया था, मोनोएशियस में एम आ रहा है, हर्माफ्रोडाइट में भी एम आता है, और हर्माफ्रोडाइट मीन्स मोनोएशियस, हर्मा का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल सेम इंडिविजुअल, ठीक है। और बेटा किस तरीके का रिप्रोडक्शन दिख रहा है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, ठीक। चलो फर्टिलाइजेशन कैसे दिखती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी आपको दिखती है फर्टिलाइजेशन, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैन बी बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के एग्जाम्पल समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लोवा लोवा, ठीक है, लोवा लोवा आई वर्म, अगेन बेटा वो 5% एक्स्ट्रा में लिख रही हूँ, ये आई वर्म, एक ये वाला एग्जाम्पल पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज व्यूचेरेरिया, ठीक है। मैं ज्यादा बता भी नहीं रही हूँ, कम कम बता रही हूँ बेटा, व्यूचेरेरिया कम मतलब टू दी पॉइंट, ठीक है, सिर्फ टू दी पॉइंट। तो व्यूचेरेरिया विच इज योर फाइलेरियल वर्म एंड लोवा लोवा विच इज द आई वर्म, डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखती है विदाउट एनी लार्वल स्टेजेस। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स हो गए ये, सेक्सेस सेपरेट हो गए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोथ। नाउ वी वॉन्ट टू सी दैट ये जो सेक्सेस सेपरेट बताया, बाकी किसी के लिए तो नहीं बट एटलीस्ट एस्कैरिस के लिए हमें देखना है कि वॉट आर differences between a male ascaris and a female ascaris. वैसे तो यहां पे भी आपको दिख रहा है बहुत सारा मतलब बहुत सारे differences आपको दिख रहे हैं, but let's make it, let's take a blank slide and let's make it, ठीक है। तो NCERT के according अगर diagram बनाना चाहें, इसको दो parts में divide कर देते हैं, इधर बनाएंगे male ascaris, ठीक, इधर बनाएंगे male ascaris और इधर बनाएंगे फीमेल एस्कैरिस, तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, है ना। अगर डायग्राम देखोगे तो ये हमने बना दिया फीमेल, ये हमने बना दिया मेल, आपको दिख रहा है बेटा मेल और फीमेल में कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्गर है। सो मेल एस्कैरिस इज द स्मॉलर वन साइज वाइज, दिस इज स्मॉलर, दिस इज लॉन्गर, दिस इज लॉन्गर। अब अगर पोस्टीरियर पार्ट देखोगे, पोस्टीरियर पार्ट देखोगे तो मेल का पोस्टीरियर पार्ट होता है कर्व और फीमेल का पोस्टीरियर पार्ट होता है स्ट्रेट। तो मेल्स में आपको दिखेगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टेल इज कर्व, पोस्टीरियर टेल इज कर्व्ड, वेयर एज इन फीमेल पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टेल पार्ट इज स्ट्रेट, ठीक। सो
यहाँ पे कर्व्ड हो गया बेटा, यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। यहीं पे ना आपको दोनों में एक्सक्रीटरी पोर भी दिखता है इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी पोर इज सीन आउटसाइड बेटा, थ्रू विच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक, इसके अलावा मेल्स में यहाँ पे दिखता है आपको क्लोएका, यहाँ दिखता है क्लोएका, यहाँ आपको क्लोएका नहीं दिखता, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको, यहाँ पे क्लोएका नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्लोएका दिख रहा है। इसके अलावा बेटा कुछ पैपिले होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, जो कि मेल्स में प्रेजेंट है, फीमेल्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड बता दिया कि अगर आपको डायग्राम वाइज आइडेंटिफिकेशन में आ गया, विच यूजुअली एम्स में पूछा जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना पूछा जाता था, तो मेल्स छोटे हो गए, फीमेल्स लॉन्ग हो गई, मेल्स का पोस्टीरियर पार्ट कर्व्ड हो गया, फीमेल्स सीधी साधी दिखती है ना, सीधी साधी मतलब सीधा पोस्टीरियर पार्ट, और मेल्स में हो गया बेटा क्लोएका प्रेजेंट, फीमेल्स में क्लोएका एब्सेंट। नाउ लेट अस लुक एट द ये वाला डायग्राम जो आपका बनाया हुआ है। अच्छा, ये मुख तो हमने बनाया है नहीं है, माउथ, माउथ कौन सा है बेटा, दिस वन इज द माउथ, और ये फीमेल्स में भी है ऑब्वियसली और मेल्स में भी है, माउथ, दिस वन इज द माउथ। अरे रे, अगेन आई एम राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग, लेट्स टेक अ इरेजर, माउथ, आई वॉज अबाउट टू राइट अगेन द सेम स्पेलिंग। चलो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो दिस इज अगेन द मेल एंड दिस इज द फीमेल, पोस्टीरियर कर्व्ड, पोस्टीरियर स्ट्रेट, क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट, हियर दे हैव शोन एनस। डू यू नो वॉट इज अ क्लोएका, डू यू नो वॉट इज अ क्लोएका, क्लोएका इज हैविंग three openings, cloaca is a chamber which has three openings, one of the digestive tract, ek alimentary canal ki opening dikhegi, ek alimentary canal ki opening dikhegi, ek aapko excretory canal ki opening dikhegi, excretory canal ki opening dikhegi, ek aapko reproductive ki opening dikhegi, so this is a common चेंबर वेयर दी थ्री डक्ट्स ओपन। ठीक, अब ये आपने एम्फीबियंस में भी पढ़ा होगा, दे ऑल्सो हैव अ क्लोएका, सो एनी वे आई हैव गिवन यू द इन्फॉर्मेशन हियर, एंड क्लोएका ओनली सीन इन द मेल्स, नॉट सीन इन द फीमेल्स। देन दे हैव शोन माउथ, दे हैव शोन माउथ, दे हैव शोन एक्सक्रीटरी पोर, हियर ऑल्सो दे हैव शोन एक्सक्रीटरी पोर, सो दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स दैट यू सी। ओके फाइन डन, सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ मेल एस्कैरिस एंड अ फीमेल एस्कैरिस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द एग्जांपल, जिसके बिना बेटा फाइलम्स तो इनकम्प्लीट है, सो वी नीड टू लुक एट द एग्जांपल्स, देयर कॉमन नेम, देयर साइंटिफिक नेम, एंड इफ एनीथिंग इज नेसेसरी वी विल डू इट अलोंग विद दैट। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन इज एस्कैरिस। एस्कैरिस इज नोन एज कॉमन राउंड वर्म, इट इज नोन एज कॉमन राउंड वर्म, common roundworm, this is Vucheraria. So many of you do this mistake of writing this Vucheraria as Vucheria. This is not Vucheria beta, Vucheraria. ठीक, सबसे पहले तो ये गलती करते हो, तो ये Vucheraria है, और Vucheraria को हम बोलते हैं filarial worm, इसे क्या बोलते हैं filarial worm, क्योंकि ये filariasis cause करता है या elephantiasis cause करता है, और ये ascaris क्या cause करता है, ascariasis, human health and diseases, ascariasis भी दिया हुआ है, Vucheriasis भी दिया हुआ है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा ही होगा, तो ये रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा इज hookworm, Ankylostoma is hookworm, and rhabdoidis is not given in NCERT. This is an example of free living. ये parasite नहीं होता, ये होता है free living. ठीक, this is not a parasite, this is free living. Top three जो हैं, ये आपने देख लिए NCERT वाले example. थोड़ा सा हमें चर्चा कर लेते हैं ascaris के बारे में. सबसे पहले हम ascaris के बारे में चर्चा करते हैं. That ascaris is the common roundworm, और ये होता है monogenetic. You remember monogenetic का क्या मतलब है? Monogenetic का क्या मतलब है? Monogenetic का मतलब होता है जिसको चाहिए होता है, mono means single, जिसको चाहिए होता है सिर्फ एक host,
It requires only one host to complete the life cycle. तो इसको सिर्फ एक host चाहिए होता है, जो आपके NEET में आने वाले सवाल है ना, वो ऐसे ही आते हैं. Single host required to complete the life cycle. और वो single host क्या है मेरे बच्चों? वो है हम. हम मतलब humans. ठीक है, इंटेस्टाइन में रहता है, आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट हो गया एस्कैरिस, जो कि कॉज कर रहा होता है एस्कैरियासिस. ठीक है, सिम्टम्स और ये सब हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ऑलरेडी गिवन है. इसके अलावा वहां पे पढ़ोगे कि एस्कैरिस 4 बारी पूरे लाइफ टाइम में मोल्टिंग शो करता है. मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? इसको शेड कर देना, एक्सोस्केलेटन को शेड कर देना. तो 4 बारी मोल्टिंग शो करता है, और पहली बारी सॉइल में शो करता है, 2 बारी ह्यूमन लंग्स में शो करता है, और बेटा लास्ट वाली शो करता है इंटेस्टाइन में. वो पढ़ा होगा यहां, मैं जस्ट आपको एक बार रिकॉल करा दे रही हूं कि एक बार सॉइल में करता है, 2 बारी लंग्स में करता है, और 1 बारी इंटेस्टाइन में करता है. इसके बियॉन्ड तो कहीं कुछ नहीं आने वाला, ये भी मैंने ज्यादा बताया, इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं आएगा. 4 बारी टोटल मोल्टिंग शो किया. ठीक है, अब दूसरा क्या है? Viucheraria, इसका बहुत ही प्यारा डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, फाइलेरियल वर्म का, जो कि कॉज करती है एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस. लिम्फैटिक वेजल्स में रिजाइड करती है, टांग इतनी बड़ी हो जाती है. यूजुअली बेटा लोअर बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट्स अफेक्ट नहीं होते हैं. इन सम फीमेल्स इवन मैमरी ग्लैंड्स आर बीइंग अफेक्टेड विद दिस विचेरियासिस, बट मोस्टली इट अफेक्ट्स द लोअर बॉडी पार्ट्स. ठीक, अब ये लोअर बॉडी पार्ट्स में यूजुअली लिम्फैटिक वेजल्स में रहते हैं, और जिसका कि एक्यूमुलेशन बेटा लिम्फ का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिससे कि दिखती है बहुत ज्यादा स्वेलिंग. लेग बिकम्स, इफ द लेग इज अफेक्टेड, लेग बिकम्स एज लार्ज एज द लेग ऑफ द एलिफेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस. बट इज इट अ मोनोजेनेटिक और अ डाइजेनेटिक पैरासाइट? सो इट्स अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन ऑल्सो. So, what are the two host? Primary host is hum. Hum मतलब human. और secondary host है. जल्दी जल्दी बताओ, secondary host क्या है? Secondary host is Culex mosquito. गलती करते हो यहां anopheles लिख के आ जाते हो. This is not anopheles. This is female Culex mosquito. This is female Culex mosquito. So primary host and secondary host. I am sure now you are clear with this. Okay? I am sure you are clear with this. I have told you some part of the human health, beta, क्योंकि related है, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया यहाँ. आप common name and scientific name याद कर लेंगे, NCERT वाले specifically. So we are here done with the common round worms or Ashke helminthes or Nematoda or Nemat helminthes, and let's progress to the next phylum, which is phylum Annelida. Again, let's look at the significance of the names. Why do we call this annelids as annelids? Because Annelida term has come from annules. Annelida term has come from annule. Annule naam to kahin botany mein bhi suna hoga. नाम तो सुना ही होगा. एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग, कुछ प्लांट्स में होता है बेटा, है ना, मुझे जहाँ तक याद है. ठीक है, बोल मत देना मैम आप क्यों बोल रही हो बॉटनी आपको आती है. तो बॉटनी थोड़ा सा मैंने अपने टाइम पे जो पढ़ा था बेटा, वो तो आती है ना. तो एन्यूल्स मेरे ख्याल में तो वो रिंग्स बनती है ना, रिंग्स बनती है पेड़ों में, तो वो रिंग्स के लिए. यहाँ पे भी रिंग्स बनती है. अगर मैं यहाँ एन्यूल्स की बात करूँ, ये जो रिंग्स की मैं बात करूँ, ये रिंग्स आपको दिखती हैं इस तरीके से. देखो ये कहीं तो मैंने बनाया भी हुआ था अर्थवर्म में, और अर्थवर्म एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल है इसमें, है ना, जिसका हम मास्टर्स में डिसेक्शन भी किया करते थे. तो इस तरीके से आपको रिंग्स दिखती है बॉडी में, और जिन रिंग्स को हम मेटामियर्स भी बोलते हैं, और क्योंकि ये रिंग्स इनकी बॉडी में होती है, जिसको हम एन्यूल्स भी बोलते हैं, इसीलिए फाइलम को बोल दिया एनलिडा. ठीक,
चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसकी आदतें और रहता कहाँ पे है, है ना। दे मे बी एक्वेटिक, पानी में रह सकते हैं, है ना, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, टेरिस्ट्रियल फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पैरासाइट ही हो, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। पानी एज वेल एज टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल और पैरासाइटिक और फ्री लिविंग। सो एक्सेप्ट दिस अगेन बच्चा लोग, आई एम सेइंग बाकी सारे कैरेक्टर्स खुद लिखने की कोशिश करो, इसमें से मत छापा करो तुरंत तुरंत, ठीक है, बाद में इसमें देख लिया करो। इस तरीके से बेटा प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है ना, और याद हो जाना चाहिए एकदम सेम सीक्वेंस में। देखो मुझे नहीं पता वर्चुअली तुम लोग कितना कर रहे हो, बट आई एम प्रिटी श्योर कि खुद से लिख रहे हो गए, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 3 जर्म लेयर, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ट्रू सीलोमेसिन इन केस ऑफ एनालिट्स। एंड डू यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ ट्रू सीलोम, वन वॉज शाइजोसीलोम, अनदर वॉज एंटेरोसीलोम। Schizocoelom was seen in Annelida, Arthropoda, Mollusca, and Enterocoelom was seen in Echinodermata, Hemichordata, Chordata. तो इनके पास जैसा यूसीलोम होता है, that is Schizocoelom, that is Schizocoelom, mesoderm completely splits, do not form those pouches, right? And they have tube within tube body plan, and just like Ashke helminthes, they are also protostomes because blastopore forms the mouth first, so they are protostomes. ठीक, symmetry bilaterally symmetrical, and for the very first time, इसीलिए star mark, ये देखो पहली बारी दिखा, ये देखो पहली बारी दिखा, इसीलिए इनको star mark कर लेते हैं। पूछते हैं ऐसे सवाल, for the very first time यूसीलोम phylum was what? So Annelida. So metameric segmentation, serial repetition of at least some organs, okay? Notochord, of course, absent because they are not beta chordates. ठीक, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये वाला डायग्राम किसका है, पानी में रहता है कि धरती में रहता है। दिस इज द नेरीज, इनफैक्ट नेरीज सैंड वर्म जो होता है, इसकी एक बात है कि यहाँ पे आप यूजुअली पढ़ोगे कि ये सारे होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, बट नेरीज इज द यूनिसेक्सुअल फॉर्म, सेक्सेस सेपरेट, गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक, चलो ये तो हम बाद में देख लेंगे, ये वाला कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर, आई एम प्रीटी श्योर नाउ यू आर डन। Let us look at the physiology again in the same sequence. ठीक है, बोरियत तो नहीं हो रही है ना। एनिमल किंगडम में बेटा देखो यही एक तरीका है सेम सीक्वेंस में लिखने का, तो थोड़ा बहुत आपको मोनोटोनस लग सकता है, बट आई एम प्रिटी श्योर इस तरीके से करने से सिंपल लगने लगेगी। और वो मेरे स्टार बच्चे जो लास्ट में टेबल बना के कर लेंगे ना, तो फिर तो बात ही कुछ और है, तो उससे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफकोर्स कंप्लीट बिकॉज दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक, रेस्पिरेशन अकर्स प्राइमरीली थ्रू मॉइस्ट स्किन, इसको करना पड़ेगा आपको स्टार मार्क, आपके रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिया हुआ है। मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल ये ऊपरी परत होती है बॉडी की, क्यूटिकल एक ऊपरी लेयर होती है जो उसके नीचे वाली लेयर सिक्रीट करती है। अगर अर्थवर्म में देखोगे तो उनके सबसे ऊपर वाली जो मॉइस्ट मॉइस्ट क्यूटिकल है उसको सिक्रीट करने वाली लेयर उसी के नीचे प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस अपने बाहर की तरफ क्या बना रही है, अपने बाहर की तरफ बना रही है क्यूटिकल। तो उस क्यूटिकल से, उस मॉइस्ट क्यूटिकल से यूजुअली आप अर्थवर्म में देखोगे कि अर्थवर्म में उससे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में एज सच आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली गिवन है, बट आपने ओवरऑल पॉइंट लिख लिया है कि अकर्स प्राइमरीली थ्रू मॉइस्ट स्किन या फिर बेटा स्पेशलाइज्ड गिल्स या बॉडी के साइड से प्रोजेक्शंस होते हैं, बॉडी के साइड में से प्रोजेक्शंस होते हैं, बॉडी के लेटरल साइड पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरापोडिया। अब पैरापोडिया देखो, पैरा मींस लेटरल, आपने सिक्रीशन में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन सिक्रीशन, पैराक्राइन ग्लैंड्स। पैरा का मतलब होता है अपने आसपास में ही उसके टारगेट सेल्स होते हैं पैराक्राइन सिक्रीशन में, है ना, दूर नहीं होते। पैरा हमेशा मतलब होता है साइड्स, तो पैरा का मतलब साइड्स, पॉड, पॉड का मतलब होता है लेग, आर्थ्रोपोड,
पोड में मतलब होता है अपेंडेजेस, लेग्स, है ना। तो पैरापोडिया नॉट ओनली बेटा हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन but will also help in locomotion. So in some aquatic forms like nereids, they will also have parapodia for respiration. ठीक? Circulatory system is usually closed type except Herodinaria. इसे कहाँ लिखा जाए? यहाँ. Except Herodinaria, जिसमें होता है ओपन हिरुडिनेरिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच, है ना, लीच। तो दिस ब्लड सकिंग लीच हैज बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन फैक्ट डू यू रिमेंबर एंथे? एंथे से याद करने वाले थे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोड, नॉन सिफेलोपोडा मोलुस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हमने यूजुअली क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज रिगार्डिंग देयर ब्लड। इनके ब्लड का कलर क्या होता है? लाल, पीला, हरा, नीला, कौन सा रंग होता है? इनके ब्लड का जो कलर होता है उसी कलर से लिखते हैं। पता नहीं ये तुम्हारे बोर्ड पे दिखता है कि नहीं, फिर दूसरे कलर से भी लिख देंगे। इनके ब्लड का कलर होता है रेड, और ये रेड इसीलिए होता है क्योंकि इनके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो बच्चा पार्टी तुम मुझसे बोलोगे कि मैम तो फिर इसमें क्या सवाल बना? इसमें सवाल एक तो ये बन सकता है कि हीमोग्लोबिन है कि नहीं, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कि नहीं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, हमारे ब्लड बॉडी में भी मिलता है, हमारे ब्लड में भी मिलता है, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कि इनका हीमोग्लोबिन मिलता है इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, हमारा हीमोग्लोबिन मिलता है इनसाइड आरबीसी, सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देयर हीमोग्लोबिन इज देयर बट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा नॉट इनसाइड द आरबीसी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक पॉइंट हमने इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्स्ट्रा लिख दी जो कि सवाल में बन सकता है, दैट देयर हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट वेयर, इन द आरबीसी और इन द प्लाज्मा। सो इन द प्लाज्मा, देन लेट्स लुक एट देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। नाउ आई हैव रिटन सम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लाइक बॉट्राइडल टिश्यू, लाइक क्लोरा गोगन सेल्स। नाउ इन एनसीईआरटी सो मेनी नेम्स आर नॉट गिवन, सो दैट 5% एक्स्ट्रा दैट यू हैव टू डू बेटा, दैट्स बॉट्राइडल टिश्यू एंड क्लोरा गोगन सेल्स। ओके, फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस वन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. So, nephridia is of different types, जो कि excretion में भी help कर रही है, osmoregulation में भी help कर रही है, और ये पाई जाती है अर्थवर्म में, और भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि pharyngeal nephridia होती है, जब आपके नीट में अर्थवर्म पढ़ाया जाता था तो ये पढ़ाया जाता था, इसीलिए इंक्लूड कर दिया कि नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही है, आयोनिक कंसेंट्रेशन मेंटेन करने में भी हेल्प कर रही है। फेरिंजियल नेफ्रिडिया होते हैं, कुछ होते हैं इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, और कुछ होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया, तो अलग अलग टाइप की नेफ्रिडिया हो सकती है, या फिर बॉट्राइडल टिश्यू होते हैं। बॉट्राइडल टिश्यू इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू, विच इज फाउंड इन द सीलोम। सीलोम में मिलता है एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो एक्सक्रीटरी इन नेचर होता है, जिसे हमने बोल दिया बॉट्राइडल टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू मिलता है आपको लीच में, एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। क्लोरागोगन सेल्स आपको मिलते हैं अर्थवर्म में, और ये क्लोरागोगन सेल्स जो होते हैं दे आर मोस्ट एक्यूरेटली अगर हम बोले तो दे आर एनालॉगस, एनालॉगस मीन्स फंक्शनली सेम, इसको हम एक
नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिख देते हैं, जो ये हम क्लोरा गोगन सेल्स की बात कर रहे हैं, जो हम ये क्लोरा गोगन सेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके अर्थवर्म में मिलता है, जो कि आपके अर्थवर्म में मिल सकता है। ये क्लोरा गोगन सेल्स जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी तो है ही, और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि दे आर एनालॉगस, दे आर एनालॉगस टू दी वर्टीब्रेट्स, टू दी वर्टीब्रेट्स लिवर। यानी कि एनालॉगस का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? एनालॉगस का मतलब हो गया फंक्शनली सेम, इसका मतलब हो गया फंक्शनली सेम। ठीक, दीज आर फंक्शनली सेम। सो क्लोरा गोगन सेल्स इन अर्थवर्म एक्सक्रीटरी एनालॉगस टू दी वर्टीब्रेट्स लिवर। ठीक, ये हम देख लेते हैं। तो ये सारे बेटा हमने पॉइंट्स कवर कर लिए रिगार्डिंग देयर डाइजेशन, रेस्पिरेशन। वापस से रिपीट करो, डाइजेशन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेशन प्राइमरीली थ्रू क्यूटिकल, बट सम में ऑल्सो हैव पैरापोडिया जो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स के। ठीक, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली क्लोज्ड, ओपन किस में हो गया? लीचेस में। और ब्लड का कलर कैसा हो गया? लाल, और लाल कलर का ब्लड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किसके अंदर है? प्लाज्मा में, आरबीसी में नहीं प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए मेनली याद रखोगे नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी, इसके अलावा बोट्राइडल टिश्यू, इसके अलावा क्लोरा गोगन सेल्स। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नर्वस सिस्टम, अगेन एज आई सेड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स, सो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड एंड अ नर्व रिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट। वी डू नॉट नीड टू मेक अ डायग्राम। आपके अर्थवर्म के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से कि गैंग्लियंस होते हैं हेड रीजन में, और फिर ये कनेक्टेड होते हैं इस तरीके की नर्व रिंग बनती है। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ गैंग्लियंस बनते हैं और इस तरीके की नर्व कॉर्ड होती है दो, और यहाँ पे फर्दर बहुत सारे नर्व्स आपको दिखेंगे जो कि फर्दर कुछ कुछ गैंग्लियन से पास होते हैं। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू शो यू दैट इस तरीके की आपको एक नर्व रिंग दिखी, इस तरीके की आपको एक नर्व रिंग दिखी, और ये दो आपको दिख गए डबल नर्व कॉर्ड वेंट्रल इन पोजिशन। सो देर इज अ नर्व रिंग एंड देर आर नर्व कॉर्ड्स। ठीक, देन लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, सर्क्यूलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनफैक्ट बॉडी में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, बॉडी में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, इसके हेल्प से भी लोकोमोशन होता है। बॉडी में जो सीलोमिक फ्लूइड है, उसके अलावा जो मसल्स हैं, हमारे मसल्स भी तो हेल्प करते हैं ना। एनिमल टिश्यू में पढ़ते हो बेसिक फंक्शन ऑफ द मसल्स। सोचो ना, अपने पास मसल्स ही नहीं होते तो हम कोई मूवमेंट नहीं शो कर पा रहे होते। मैं बोल ही नहीं पाती अगर मेरे फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहे होते, है ना। तो मसल्स का काम ही होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करना। और यहां पे बेटा हमने देख लिया सीलोमिक फ्लूइड अलोंग विद द मसल्स, एंड नॉट टू फॉरगेट किसी किसी के पास पैरापोडिया भी हो सकते हैं, जैसे कि नेरीज के पास होते हैं, और किसी किसी के पास सीटे, जिसको कि हम कीटे भी बोलते हैं, सीटे और कीटे भी बोलते हैं, जैसे कि हो गया अर्थवर्म। इनफैक्ट जैसे कि हमने एश के हेलमेंथिस में देखा था ना, कि उसको क्लासिफाई करने के लिए फैजमिड्स और एम्फिड्स, जो कीमोरिसेप्टर्स थे, भूलो मत, उनके बेसिस में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे भी डिफरेंट क्लासेस होती है जो हमें नहीं पढ़ना है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, वो हमें नहीं पढ़ना है, बट उसको उसका क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया होता है कि किसके पास पैरापोडिया है, किसके पास सीटा है, या किसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि इनके हेल्प से लोकोमोशन हो सकता है, और पैरापोडिया किस में भी हेल्प कर रहा था? रेस्पिरेशन में। ठीक, चलो, ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसका तो बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है अर्थवर्म।
बाइसेक्सुअल का तो बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है अर्थवर्म। एक्चुअली यूनिसेक्सुअल फॉर्म, जो एक यूनिसेक्सुअल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो इकलौता नेरिस दिया हुआ है, जो कि हमने सबसे पहले स्लाइड में डायग्राम भी देखा था, दैट इज बेटा सैंड वर्ब। सो नेरिस इज द यूनिसेक्सुअल, रिमेनिंग ऑल इज बाइसेक्सुअल। ठीक, चलो। फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अगेन जो अर्थवर्म में दिखता है ना, मैं वो स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि अर्थवर्म पहले पढ़ाया जाता था नीट के लिए। तो अर्थवर्म में आप देखोगे कोकून फॉर्मेशन होती है, कोकून बनता है बॉडी में, है ना। अगर अर्थवर्म पढ़ाना हो कभी तो पढ़ाएंगे उसे भी, लेकिन अर्थवर्म वैसे नीट में नहीं आता है, ठीक है। अर्थवर्म में कोकून बनता है, उस कोकून के अंदर स्पर्म्स होते हैं और एग्स भी होते हैं, और उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के बाहर। इसलिए अर्थवर्म वाली तो मैं बता दे रही हूँ, जो मे बी बेटा यू नेवर नो कि एग्जाम में आ जाए, बहुत कम चांसेस हैं, बट हम छोड़ नहीं रहे हैं वो 0.5% भी जो चांस है ना उसके लिए, ठीक। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल बता रही हूँ जो NCRT में गिवन है, और यूजुअली बेटा आपको लार्वा याद नहीं करने होते। मैंने किसी के भी लार्वा, चाहे आपने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा हो, बट हमने कहीं लार्वा का नाम नहीं लिखा। यहां पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूं कि इसका लार्वा आप याद रख लो, कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है, इसको स्टार मार्क भी कर लो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है, जो कि नेरिस में दिखता है, ठीक। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है, जो कि नेरिस में दिखता है। बाकी तो सब में क्या दिख रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बाकी सब में आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि अर्थवर्म, हमारा प्यारा अर्थवर्म के बारे में तो हमने करना ही है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं दिखती हैं, कोकून में ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसी से छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्म्स निकल जाते हैं। 2 से लेकर 20 वर्म्स एक कोकून में दिखते हैं आपको, ठीक है। एक कोकून के अंदर 2 से लेकर 20 वर्म्स दिखते हैं, मिनी मिनी वर्म्स। सो नो लार्वल स्टेजेस, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा सीन इन केस ऑफ नेरिस। चलो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। नेरिस इज sandworm, Ferritima faustuma, this is earthworm, Ferritima faustuma is earthworm, Hirudinaria is blood sucking leech, this is blood sucking leech. So these are some of the examples given in your NCERT, and as you know, we are only going to do beta the examples of NCERT. I'm sure now you are clear with comparative Ashke Helminthes and annelids. All right, let's move to the last phylum of today. That is the largest phylum that we see in the entire animal kingdom, phylum Arthropoda. So if we discuss कि भाई आर्थ्रोपोडा इतना लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे इस धरती पे 2/3 ऑफ द टोटल एनिमल्स आर इटसेल्फ आर्थ्रोपोड्स। इफ वी वांट टू सी देयर डाइवर्सिटी, इफ वी आर सेइंग दैट आर्थ्रोपोड्स, इफ वी आर सेइंग दैट आर्थ्रोपोड्स ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसलिए है क्योंकि आपके 2/3 ऑफ द एनिमल्स जो हैं बिलोंग ही करते हैं आर्थ्रोपोड से। ये 2/3 ऑफ द एंटायर एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़ते हो वैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकौड़े, ठीक है, कीड़े मकौड़े, इंसेक्ट्स। देखो कितने सारे मिलते हैं ना। मैं BHU में थी जब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स करी है, बनारस में जो कैंपस है बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना। तो मैं अपने हॉस्टल में रहती थी, वहाँ की बात बता रही हूँ, मुझे इंसेक्ट्स से याद आ गए, इतने वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, इतने इंसेक्ट्स हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी को इंसेक्ट बाइट करता ही है, बुरा हाल हो जाता है। लेकिन बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा है। आई एम श्योर माई फ्यूचर डॉक्टर्स, सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इन माई दिस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट BHU, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उसके लिए तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। लार्जेस्ट फाइलम 2/3 ऑफ द एंटायर एनिमल्स बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोड्स का क्या मतलब होता है, अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। लेट मी रिलेट इट, बच्चा लोग
Let me relate it, future doctors. Have you heard of this term arthritis? ये तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, बहुत कॉमनली ना आर्थराइटिस हो जाता है. आर्थराइटिस में ये आर्थराइट टर्म आया ही किससे है? आर्थरोस से आया है, जिसका मतलब होता है जॉइंट्स. इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट पेन, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट पेन. ये पता था तुम लोगों को? आर्थराइटिस में आर्थराइट का मतलब होता है जॉइंट, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. और कहां से आया ये टर्म? ये टर्म आया यहां जॉइंटेड अपेंडेजेस से. ठीक, लार्जेस्ट फाइलम हो गए, हर जगह रह सकते हैं ये, कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं. और ये सरवाइव इसीलिए कर सकते हैं, इनके पास एक बहुत ही हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है. काइटिन की बनी हुई. बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है काइटिन. काइटिन इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. इट्स अ होमोपॉलीसैकेराइड. सिमिलर सब यूनिट्स, नाग पढ़ाई होगा, है ना. सो दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो कि इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग, वाटर लॉस नहीं होने दे रही, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है इसको, है ना, और सर्वाइवल वैल्यू देती है आर्थ्रोपोड्स को. बॉडी अगर यूजुअली देखें, यूजुअली अगेन आई एम सेइंग, बॉडी इज यूजुअली, नॉट फॉर ऑल, बॉडी इज यूजुअली डिविजिबल. Body is usually divisible into head, thorax and abdomen. ये usually इसीलिए बोला मेरे बच्चे, क्योंकि ये दिखता है इंसेक्ट्स में. सारे इंसेक्ट्स तो है नहीं, कुछ कुछ तो, किसी किसी के बॉडी में हेड थोरैक्स फ्यूज होता है, जैसे सेफेलोथोरैक्स बोलते हैं, और फिर दिखती है रिमेनिंग बॉडी, क्योंकि इसमें ज्यादातर होते हैं कीड़े मकौड़े या इंसेक्ट्स. इसीलिए उसके बेसिस पे हमने बोल दिया बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट्स है, हम ज्यादातर के बेसिस पे ही बात करते हैं, हम जनरली उसी के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं. तो ये हमने कुछ जनरल पॉइंट देख लिए. अब आ जाओ बेटा, जो स्लाइड बनाई हुई है हमने, अरे रे ये तो हमें चाहिए ही नहीं, चलो देखते हैं ना ये वाला. तो फाइलम आर्थ्रोपोडा अगेन हर एक हैबिटेट में रह सकते हैं, उड़ सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई आपको दिखती है, और गंदी गंदी जगहों पे रहते हैं, आपके किचन में मिलते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, बहुत तेज से भागते हैं, है ना, कॉकरोच कर्सोरियल होते हैं, तेजी तेजी से भागते हैं. आप भागोगे कॉकरोच के पीछे ना, तो कॉकरोच ऐसा लगेगा, वो डायलॉग बोलते हैं ना हम, कॉकरोच आपके पीछे और आप कॉकरोच के पीछे, किक वाला जो डायलॉग है. तो आप भागते रहो, कॉकरोच बहुत फास्ट रनर होता है, तो कर्सोरियल होता है, टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, पानी में रहता है, पानी में, कई लोग खाते हैं ना प्रॉन्स, तो प्रॉन्स पानी में भी रह सकता है ना, क्रैब्स. इसके अलावा देखो लैंड वाला हो गया, फ्रेश वाटर, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ओशन में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकता है, मरीन वाटर में मिल सकता है, धरती पे मिल सकता है, एयर पे मिल सकता है, कॉकरोच भी उड़ सकता है. कॉकरोच को उड़ते हुए देखा है? भागोगे ना कॉकरोच के पीछे, तो कॉकरोच भी उड़ सकता है, लेकिन ऑफकोर्स कॉकरोच उड़ते हुए पंछी की तरह उड़ते हुए नहीं दिखते हैं तुम्हें, है ना, कॉकरोच पंछियों की तरह तो नहीं उड़ते हैं, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं. ठीक है, वो भी अडल्ट कॉकरोच हुआ तो, निम्फ तो नहीं उड़ सकता, है ना. ये डायग्राम बना हुआ है लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया में, याद है तुम्हें, अभी कुछ टाइम पहले एक झुंड में अटैक हुआ था, लोकस्ट अटैक ना, टिड्डा. देन यू हैव बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड यू हैव प्रॉन्स. एनीवे दिस बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर्स होते हैं इनके पास. यू सीलोमेट मीन्स ट्रू सीलोमेट. अगेन व्हाट टाइप ऑफ ट्रू सीलोम? दीज आर शाइजोसीलोमेट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और होते हैं प्रोटोस्टोम्स. ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ फर्स्ट. बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू वन प्लेन. यस 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 दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड नो दे डोंट हैव एनी नोटोकॉर्ड. As simple as that. और इसका मतलब तो हमने देख ही लिया है कि क्यों लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा एनिमल्स होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, राइट. लेट्स लुक एट द फिजियोलॉजी. When you talk about the physiology, digestive system, again, beta, copy paste, complete digestive system, extracellular digestion, and extracellular digestion. ये डायग्राम पता है किसका है? ये डायग्राम लिखा नहीं हुआ है, लिम्यूलस.
एनसीईआरटी में गिवन है लिम्यूलस किंग क्रैब या लिम्यूलस होता है लिविंग फॉसिल. क्या होता है लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल मैं लास्ट में बताऊंगी, एकदम अंत में. तुम तब तक सोच सकते हो कि लिविंग फॉसिल को कैसे डिफाइन करते. अगर तुमसे मैं ही पूछूं कि लिविंग फॉसिल बेटा क्या होता है ना, तो तुम सोचो जब तक हम बाकी कैरेक्टर्स देखते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बारी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉज सीन इन आर्थ्रोपोड्स. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम पिछले वाले में दिखा था एनेलिडा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक, गिल से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, बुक गिल से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, बुक लंग से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, ट्रेकियल सिस्टम से भी हो सकती है. एनसीईआरटी में गिवन है अबाउट ट्रेकियल सिस्टम, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेकियल सिस्टम, जो कि कॉकरोच में पड़ते भी हो, स्पाइरिकल्स होती है लेटरल साइड में, और उस स्पाइरिकल से देखो मैं तुम्हारे उस कन्वीनियंस के लिए एक ये ब्लैंक स्लाइड थी ना पिछले वाले में, तो इस तरीके का एक डायग्राम दिखता है कॉकरोच में बनाते हो जस्ट तुम्हारी तुमको याद दिलाने के लिए. और बॉडी में साइड में ना इस तरीके के ओपनिंग्स होती हैं, दो थोरैक्स में, 8 एब्डोमेन में, जिसके थ्रू हवा अंदर आती है, जिसे बोलते हैं स्पाइरिकल्स. और स्पाइरिकल से इस तरीके की ट्यूब्स कनेक्टेड होती है, और अगर इसको इंडिविजुअली देखोगे तो इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हो स्पाइरिकल्स. ये ट्यूब जो है इससे एयर अंदर आ रही है और ये फर्दर ट्रेकियोल्स में ब्रांच करती है. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कुछ इसे स्पाइरिकल्स बोला. और ये पूरा सिस्टम जो होता है ये कहलाता है ट्रेकियल सिस्टम. और बच्चा लोग ये ट्रेकियल सिस्टम दिख कहां रहा है? ये ट्रेकियल सिस्टम ज्यादातर क्योंकि दिखता है इंसेक्ट्स में, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक, गिल से रेस्पिरेशन हो सकती है, जैसे कि पानी में रहने वाला प्रॉन्स. ठीक, इसके अलावा बुक गिल्स क्यों बोलते हैं? अगर ओपन बुक ओपन कर दोगे ना, तो बुक को ओपन करने पे ऐसे पन्ने दिखते हैं, तो बिल्कुल बेटा पन्ने जैसे दिखते हैं ना, बिल्कुल वो पन्नों जैसा. एक एक पन्ने को बोलते हैं लैमिले, ठीक है. और वैसे ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से. ये एक एक पेज जो दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं लैमिले. तो ये बुक गिल्स कहाँ दिखा? ये बुक गिल्स दिखा इसमें, मतलब लिम्यूलस में. लिम्यूलस मतलब किंग क्रैब, ठीक. अब बुक गिल्स किस में दिखता है? बुक गिल्स दिखते हैं स्कॉर्पियंस. या फिर दिखता है स्पाइडर्स. तो ज्यादा से ज्यादा बेटा एग्जाम्पल्स याद रख लेना, ठीक है. बुक गिल्स दिखता है स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स. गिल्स प्रॉन, बुक गिल्स, लिम्यूलस, बुक लंग, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, ट्रेकियल सिस्टम, मोस्टली इन इंसेक्ट्स. लेट्स मूव टू दिस वन. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, यस. एंथे का ए स्टैंड करता था फॉर दी आर्थ्रोपोड्स. दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर्क्यूलेशन के बारे में, कि डेफिनेटली इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है. और जहां ब्लड, अच्छा याद है ब्लड वेजल्स होती है कि नहीं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल होती है कि नहीं? याद करो प्लीज, गलत आंसर मत देना यार. ब्लड वेजल्स होती है, लेकिन क्या नहीं होता? कैपिलरी नहीं होती, कैपिलरी से बाउंडेड नहीं होती, ओपन स्पेस में जाके गिरती है ब्लड. ब्लड ओपन स्पेसेस में मिलती है, जिसे बोलते हैं हीमोसील. ये वो ओपन स्पेस होता है जिसमें कि सारा ब्लड डंप हो जाता है. और इनके ब्लड का कलर क्या होता है? कलरलेस, क्योंकि इनके पास ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता. दे डोंट हैव एनी हीमोग्लोबिन. जैसा कि हमने एनेलिडा में देखा था कि उनके पास, उनका ब्लड का कलर है रेड कलर, क्योंकि उनके पास होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, बट दैट इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. देयर ब्लड इज कलरलेस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोलिम्फ.
तो बेसिकली अगर देखें तो इनके ओपन स्पेसेस में, जिसे बोलते हैं हीमोसील, वहां पे डंप हो जाता है सारा का सारा हीमोलिम्फ, एंड बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मींस देयर ब्लड हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो देयर ब्लड प्लेज नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? नाउ एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास, अरे रे ये तो गलत लिख दिया है. एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. बच्चा लोग इसे करेक्ट कर लेना, ये रेनिटे सेल्स नहीं है. एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होता है ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स, मेल्फीगियन टिब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड्स. ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो गए, जहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मेल्फीगियन टिब्यूल्स. अगेन बिकॉज ये इंसेक्ट्स में मिलता है क्योंकि इंसेक्ट्स में मिलता है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट. कॉकरोच में मिलता है मेल्फीगियन टिब्यूल्स, और कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, इसीलिए ये होते हैं यूरिकोटेलिक, नॉट यूरिओटेलिक. क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, नॉट यूरिओटेलिक. क्लियर? यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. कॉक्सल ग्लैंड मिलता है आपके स्कॉर्पियंस में, कॉक्सल ग्लैंड मिलता है आपके स्कॉर्पियंस में या स्पाइडर्स में. कॉक्सल ग्लैंड मिलता है स्कॉर्पियंस में या स्पाइडर्स में, और इनका भी नेचर होता है यूरिकोटेलिक. यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक, ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट. पूछो मेरे से क्यों मैम, ये तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. मैम ये तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. गिवन है इन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर. इन दैट चैप्टर दे हैव गिवन ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन प्रॉन्स क्रस्टेशियंस. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रस्टेशियन. पानी में रहते हैं तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बहुत सारा पानी अवेलेबल है रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो पानी में है इसीलिए इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, जिसके वजह से ये हो जाते हैं अमोनोटेलिक. तो एक्सक्रीशन के लिए ये काट देना. एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनरी ग्लैंड्स, मेल्फीगियन टिब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हमने सेपरेटली देख लिया. देखो ये मैंने इसीलिए बनाया है, इसको बनाना नहीं है, इसको मैंने इसीलिए बनाया है तुम्हें ये दिखा सकूं मेल्फीगियन टिब्यूल्स, और तुम यहीं पे याद कर लो, यहीं पे इसलिए याद कर लो कॉकरोच से रिलेटेड है मेल्फीगियन टिब्यूल्स. अभी हमने देखा ना कि किसमें प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में. इसीलिए बनाया है कि ये देखो इसकी पोजीशन क्या होती है. एनसीईआरटी का, एनीट का बहुत अच्छा सवाल बनता है कि मेल्फीगियन टिब्यूल्स जो आपको यहां दिख रहे हैं, ये है मेल्फीगियन टिब्यूल्स, ये आपको ये मिडगट और ये हाइंड गट के बीच में दिखते हैं, ये आपको मिडगट और हाइंड गट के बीच में दिखते हैं. इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है. ये मिडगट हो गया, ये मिडगट हो गया, और यहाँ पे आपका हाइंडगट हो गया, और इसके बीच में जो आपके टिब्यूल दिख रहे होते हैं हरे रंग के, 100 to 150 नंबर मेल्फीगियन टिब्यूल्स, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन. बस यही सिग्निफिकेंस है. ठीक, इसीलिए बनाया हुआ ये डायग्राम. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अगेन डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड एंड अ नर्व रिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट जस्ट लाइक एनलिड्स. ठीक, नर्व रिंग ना किसी किसी में फैरिंग्स के अराउंड होती है, किसी किसी में ईसोफेगस के अराउंड होती है, जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो. ठीक, सेंसरी स्ट्रक्चर्स एंटीने हो सकते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स में आंखें हो सकती है, जिसमें कि जैसे कॉकरोच की बात करें तो सिंपल आई होती है उनके पास जो रिड्यूस्ड होती है, जिसे ऑसिलाई भी बोलते हैं, और फंक्शनल आईज भी होती हैं जिनके थ्रू एक्चुअल विजन होता है, जिसे कंपाउंड आईज बोलते हैं. ठीक, कंपाउंड आईज बोलते हैं. स्टैटोसिस्ट भी हो सकता है, दैट इज अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर. ये भी हमने देखा था, दैट्स अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द आर्थ्रोपोड्स. ठीक, सो स्टैटोसिस्ट कैन बी प्रेजेंट, आईज कैन बी प्रेजेंट, एंटीने कैन बी प्रेजेंट. रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकता है. डू यू रिमेंबर, पार्थिनोजेनेसिस इज विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स, जो बहुत कॉमनली आपको दिखता है हनी बी में. ये पहले चैप्टर में पढ़ते हो 12th क्लास के,
है ना। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ोगे, यहां से याद रख लो कि पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस एंड सीन इन द वेरी ब्यूटिफुल हनी बीज। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और अंडे देते हैं ये लोग, इसीलिए ये होते हैं मोस्टली ओवीपैरस। मोस्टली ओवीपैरस, ओवी का मतलब होता है बेटा एग लेइंग, ये होते हैं एग लेइंग, मोस्टली ओवीपैरस। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको बोथ दिखेगी, ठीक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ये मैं अगेन बता दे रही हूं, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक, ये एक्स्ट्रा ज्ञान अपने रिस्क पे लेना, ठीक, एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा। तो ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स डेवलपमेंट के बेसिस पे, एक्चुअली कभी कभार सवाल आ जाता है कि मैं सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूं आपको कि ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स वो होते हैं डेवलपमेंट में जिनका कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखता, देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस इन ए मेटाबोलस। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, मेटाबोलस मींस देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स दिखते हैं आपको लेपिज्मा, लेपिज्मा जिसका नाम होता है कॉमन सिल्वर फिश। ये फिश नहीं होती, सिल्वर फिश, ये देखो इधर पे डायग्राम बनाया हुआ है ना, दिस इज द लेपिज्मा सिल्वर फिश, जहां कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ए मेटाबोलस इंसेक्ट। ए मींस एब्सेंट, मेटाबोलस मींस मेटामॉर्फोसिस, एग्जांपल याद रख लेना। अब इस पोरो मेटाबोलस को तुम याद रख सकते हो बिकॉज इट इज एनसीईआरटी एंड इट इज गिवन इन कॉकरोच, एंड इट इज गिवन इन कॉकरोच। एग्जाम्पल लिखो सबसे पहले तो कॉकरोच, पेरी प्लैनेट अमेरिकाना, जहां क्या होता है ऐसा डेवलपमेंट जहां आपको एग दिखता है, फिर निम्फ दिखता है और फिर दिखता है एडल्ट। देखो यहां निम्फ और एडल्ट मैंने बनाए हुए हैं, यहां आपको दिख रहा है ये एडल्ट कॉकरोच, ये है निम्फ वाला कॉकरोच। ऐसे इंसेक्ट्स जहां निम्फ और एडल्ट, निम्फ और एडल्ट का मोड ऑफ लाइफ होता है सेम, मोड ऑफ लाइफ होता है सेम, दे ऑल आर नॉक्टर्नल, दे आर ओमनिवोरस, मोड ऑफ लाइफ है सेम, बट स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट, स्ट्रक्चर हो गया डिफरेंट। क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई, निम्फ उड़ नहीं सकता है, निम्फ के पास विंग्स होते ही नहीं है, एडल्ट के पास होते हैं विंग्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स हो गए बेटा पोरो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉकरोच। ठीक, लेपिज्मा बस याद रख लेना, ए मेटाबोलस इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखती है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो एंजाइम इज अ कंप्लीट एंजाइम, होलोक्राइन ग्लैंड, कंप्लीट सेल इज एक्सक्रीटेड आउट एज ग्लैंड, सो वर्ड मीनिंग मींस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग कन्वर्ट्स इनटू लार्वा दैट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा दैट कन्वर्ट्स इनटू अडल्ट। और चित्र से तो समझ ही गए होंगे कि किसमें दिखता है, किसमें होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, इन दी बटरफ्लाइज, इन दी बटरफ्लाई। ये एक्स्ट्रा है, पहले दो तो फिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट डन, जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स लाइक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स से, बहुत आप देख सकते हो मेरे एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एपिस, एपिस इज हनी बी, हनी बी, इसके क्या प्रोडक्ट होते हैं, इससे आपको हनी भी मिलता है जो आप खाते हो और सर्दी भगाते हो, इसके अलावा बी वैक्स, बी वैक्स भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी इज द नेम ऑफ सिल्क वर्म। देखो हमें सिल्क, सिल्क की साड़ियां, सिल्क के कपड़े, सिल्क बहुत ही महंगा है ना, तो सिल्क वर्म ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या हो गया, सिल्क। ठीक, लैसिफर इज लैक इंसेक्ट, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लैक क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है लैक, जो कि ग्लूइंग एजेंट होता है, चिपचिपा सा ग्लूइंग एजेंट होता है, जो बैंगल इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री,
है ना, एज अ ग्लोइंग सब्सटेंस यूज होता है लैक. सो एपिस हनीबी बॉम्बिक सिल्कवर्म लैसिफर लैक इंसेक्ट्स. अब आओ वेक्टर्स में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन रिलेट इट विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. सो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो क्या कॉज करता है? मलेरिया. क्या कॉज करता है? मलेरिया. कैरी करता है प्लाज्मोडियम को. क्या कैरी कर रहा है? प्लाज्मोडियम को. इसका तो खुद ही बताओ, अभी अभी किया था क्यूलेक्स. क्यूलेक्स क्या कॉज करता है? क्या कॉज करता है? व्यूचेरियासिस. व्यूचेरियासिस. व्यूचेरियासिस या फिर फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस. माशाल्लाह स्पेलिंग हो रही है ना. एडीज क्या कॉज करता है? एडीज कॉज करता है डेंगी. क्या कॉज करता है? डेंगी, जिसे तुम प्यार से बोलते हो डेंगू. तो डेंगू कॉज कर सकता है, डेंगी कॉज कर सकता है, या चिकनगुनिया भी कॉज कर सकता है. सो एनोफिलीज क्यूलेक्स एंड एडीज मस्कीटो. फीमेल, सिर्फ फीमेल के माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप, वो ब्लंट नहीं होते हैं मेल्स जैसे, ठीक है. ग्रिगेरियस पेस्ट. ग्रिगेरियस का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट्स जो हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं. कैसे अटैक करते हैं? ग्रुप में अटैक करते हैं. देखा होगा लोकस्ट अटैक हुआ था, लोकस्टा, जिसको हम लोकस बोलते हैं, टिड्डा, है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है. तो ग्रुप में अटैक करते हैं बट कभी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते. अगर आप देखोगे ना, हनी भी, वो भी ग्रुप में रहती है, एंट्स ग्रुप में रहती है और एक दूसरे की मदद करती है ना. हमेशा एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए, बट ये क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, हाँ ग्रुप में अटैक करते हैं. ठीक, ग्रुप में अटैक करेंगे बट नेवर हेल्प्स ईच अदर. हेल्पिंग नहीं होगी, हाय भगवान, ठीक, नो हेल्प. चलो अब आता है लिम्यूलस. और अब तक आप सोच चुके होंगे कि लिम्यूलस विच इज किंग क्रैब, इसको क्यों बोला हमने लिविंग फॉसिल. लिविंग का मतलब जिंदा. फॉसिल क्या होता है? फॉसिल ऐसा एनिमल, ऐसा प्राणी जो बहुत पहले दिख रहा था एवोल्यूशन में, बहुत पहले, है ना. लिविंग फॉसिल ऐसा एनिमल होता है जिसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, जो मिलियन ईयर्स अगो जैसा दिखता था आज भी वैसा दिखता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है. जैसा कि वो दिखता था मिलियन ईयर्स अगो आज भी बिल्कुल वैसा दिखता है. ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, चाहे दुनिया में कितने भी बदलाव हो गए हो. तो ये क्या हो गया? नो, इसमें क्या दिख रहा है? नो एवोल्यूशन. इसमें कोई एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है. जैसा पहले दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है लिम्यूलस विच इज किंग क्रैब. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. अच्छा, बड़े सारे बच्चों मैंने देखा था चैट बॉक्स में कि मैं क्वेश्चन का आंसर ना बताऊं, है ना. तो हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चंस से देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे. चार क्वेश्चंस तो हैं एटलीस्ट, है ना. चार क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, दो क्वेश्चंस का आंसर आप खुद देंगे, ठीक है. और अगले क्लास में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी. चलो, बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज डिविजिबल इंटू, राइट नाउ वी हैव डन, बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज डिविजिबल इंटू हेड, थोराक्स एंड एब्डोमेन. वेरी इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन द मेल्स इन प्लेनेरिया. याद है प्लेनेरिया किसका एग्जांपल था? ड्यूगेशिया. प्लैटी हेलमेंथिस फैसियोला. प्लैटी हेलमेंथिस फेरिटीमा अर्थवर्म बट एस्कैरिस. फीमेल्स आर लॉन्गर, मेल्स आर स्मॉलर और शॉर्टर. ये दोनों आंसर मैंने बता दिए, अब ये आप खुद बताएंगे. व्यूचेरेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज हुक वर्म, फ्लैट वर्म, सेगमेंटेड वर्म, फाइलेरियल वर्म. कितना इजी सवाल है ना. एंड वॉट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड कॉकरोच. अर्थवर्म और कॉकरोच के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? नेफ्रीडिया, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मेल्फीगियन ट्यूब्यूल्स या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसका आंसर मिलेगा आपको अगले लेक्चर में. और आई एम वेरी होपफुल कि तुम लोग चैट बॉक्स में भी लिख दोगे इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स आई से बेटा, बिकॉज तुमने पूरे क्लास में मुझे कर दिया है कॉन्शियस कि मैं कितनी बारी बेटा बोलूँ, ठीक है. तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर. एंड टिल देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंटायर थिंग, मेक दैट चार्ट, ओके. एंड वी आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट क्लास, कंटिन्यूइंग एंड कंप्लीटिंग द एंटायर नॉन क्रेडिट, ठीक है. टिल देन एवरीवन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.